आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 4 रुपए 60 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 5.5% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 11%, 3 महीने में 26%, 6 महीने में 23% और 1 साल के अंदर 29% के करीबन की तेजी देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का नीचे का देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 289 रुपीज। 289 रुपीज के स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया 307 रुपीज। 307 रुपीज के स्टॉक में एक हाई है जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 288 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 340 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में जैसे ही 310 रुपीज के बाद ब्रेकआउट देता है इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।